गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द डे वन ऑफ योगा ट्रेनिंग। सो गाइज, आज है 1 जुलाई। आज हम करने जा रहे हैं अपना योगा कोर्स स्टार्ट 365 डेज चैलेंज। सो गाइज, आज हम करेंगे साइटिक नर्व एक्सरसाइज। गाइज, आज हम करेंगे साइटिक नर्व एक्सरसाइज, जो हमारी नस है रीढ़ की हड्डी से लेकर पैर तक, जो हमारी लॉन्गेस्ट नस है, उसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। So guys, without wasting your time, let's start the yoga training. ये रहेगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपने स्ट्रेट खड़े हो जाना है, उसके बाद अपना लेफ्ट हैंड अर्थ के साथ आपने पैरेलल करना है। उसके बाद इसमें आपने एक्सरसाइज में आपने अपनी राइट लेग को जितनी ऊपर आप ऐसे उठा सकते हैं उतने ऊपर आपने उठाना है और इसको कंटिन्यू रखना है आपने 2 मिनट तक। सो ये रहेगी हमारी पहली एक्सरसाइज। So guys, करते हैं ये एक्सरसाइज स्टार्ट। ये दूसरी साइड भी करना है। So guys, आपने इस एक्सरसाइज को 2 मिनट्स तक कंटिन्यू करना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। तो सेकेंड एक्सरसाइज में आपने 2-3 इंचेस का गैप रखना है अपने फुट में और अपने हैंड्स को स्ट्रेट कर लेना है ऊपर की तरफ। और गाइज, आपकी एल्बोज मुड़ने नहीं चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए। और उसके बाद गाइज, आपने लेफ्ट राइट ट्विस्ट करना है। Like this. So guys, ऐसे कर सकते हैं आप ये एक्सरसाइज 5 मिनट्स तक कंटिन्यू पावरफुली के लिए। सो गाइज, ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज, जो हमारे इफेक्ट करेगी लीवर पर और हमारी साइटिक नर्व पर भी। सो गाइज, बढ़ते हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में भी आपने अपने फुट को 2 इंचेस की तरह सेकंड एक्सरसाइज की तरह खोल लेना है और उसके बाद अपने हैंड्स को स्ट्रेट कर लेना है। लाइक दिस, 60 डिग्री के एंगल पर आपने अपने हैंड्स को रखना है और उसके बाद अपनी फिंगर्स भी ओपन कर लेनी है और उसके बाद आपने करनी है ये एक्सरसाइज। Step 1, 2. So guys, इस एक्सरसाइज को भी आपने 2 मिनट तक कंटिन्यू रखना है। और गाइस, जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपकी आईज ओपन रहनी चाहिए। सो ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी आपके जो हैंड्स के मेरिडियन पॉइंट्स हैं, आपकी आर्म्स के मेरिडियन पॉइंट्स हैं, उनको हेल्दी रखने में। सो बढ़ते हैं अब अपनी फोर्थ एक्सरसाइज पर। तो फोर्थ एक्सरसाइज में आपने अपने फुट में वही 2 इंचेस का गैप रखना है, उसके बाद अपने हैंड्स को ऐसे होल्ड कर लेना है और आपने ये एक्सरसाइज में जब आपने बैक में जाना है तो आपने इनहेल करना है, यानी सांस को अंदर भरना है। और जब नीचे आना है तो सांस को छोड़ना है। इस एक्सरसाइज को भी आपने 2-3 मिनट तक कंटिन्यू रखना है। सो गाइज, ये थी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5। इसमें आपने अपनी आर्म्स को स्ट्रेट कर लेना है और उसके बाद इनको रोटेट करना है।
थी रिवर्स। और गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स एक्सरसाइज की तरफ। सो गाइस इसमें आपने ऐसे खड़े हो जाना है और उसके बाद अपने अपने जो हैंड्स हैं अपनी नी को थोड़ा बेंड कर कर उन पे रखना है और आपने आ जाना है काउ पोज में। और गाइस जब आपने ऐसे स्ट्रेट अपने लेग्स को रखना है और अपने हैंड्स को अपनी नीज पे रखना है और इनको जब आपने बेंड करना है तब आपने अपनी बैक को भी बेंड करना है। और गाइस इस एक्सरसाइज को भी आपने 2 to 3 मिनट्स तक कंटिन्यू रखना है। सो गाइस बढ़ते हैं हम अपनी 7th एक्सरसाइज पर। सो गाइस इसमें आपने ऐसे बैठ जाना है और अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखकर अपनी बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करना। तो भाई इसमें जब आगे जाएं तो भाई इस एक्सरसाइज में जब आप आगे जाएंगे तब आपने इनहेल करना है यानी सांस को अंदर भरना है और जब आप पीछे आए बैकवर्ड आए तो आपने अपनी सांस को छोड़ना है। अब हम करते हैं अपनी 8th एक्सरसाइज। सो आपने इस एक्सरसाइज में अपनी एक लेग को ऐसे उठाकर स्ट्रेच करना है और ऐसे ही आपने अपनी दूसरी लेग को स्ट्रेट रखते हुए स्ट्रेच ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। और गाइस आप इसमें 10-10 टाइम्स अपनी लेग को ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। जब बढ़ते हैं अपनी अब 9th एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपने अपने हैंड्स को बैक में रख लेना है और अपनी लेग्स को ऐसे उठा लेना है और अपने हिप्स के बल पर अपने आपने इस एक्सरसाइज को ऐसे करना है। तो ये रहेगी हमारी 9th एक्सरसाइज फॉर सियाटिक नर्व, जो हमारी शरीर की सबसे लंबी नस है सियाटिक नर्व, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से लेकर हमारे पैर तक है। ये आज हम करने हैं उनके लिए एक्सरसाइज। सो गाइस बढ़ते हैं अब हम अपनी 10th एक्सरसाइज पर। इसमें आपने इजी पोज यानी सुखासन में बैठ जाना है और उसके बाद अपने हैंड्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेट करना है। जब आपने हैंड्स ऊपर की तरफ स्ट्रेट करने हैं तब आपके हैंड्स ओपन होने चाहिए यानी खुले रहने चाहिए और जब आपने नीचे की तरफ अपने हैंड्स करने हैं तो आपके हैंड्स ऐसे रिस्ट की तरह होने चाहिए यानी बंद होने चाहिए नीचे। तो ऊपर जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे, नीचे आएंगे तो सांस को लेंगे, यानी नीचे आएंगे तो इनहेल करेंगे, ऊपर जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। और इस एक्सरसाइज को भी आप 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी 11th एक्सरसाइज पर। इसमें आपने फ्रॉग पोज में आ जाना है लाइक दिस और आपने अपने हैंड्स को फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेट रखना है नीचे
नेक को रोटेट करना है 360 डिग्री, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। इसमें गाइस आपने अपनी आईज को ओपन रखना है, आपने ध्यान देना है कि आपको चक्कर ना आ जाए। अगर आप अपनी आईज क्लोज करेंगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं। और अब लेफ्ट साइड यानी रिवर्स। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी 12 एक्सरसाइज पर। इसमें आपने स्ट्रेट यानी शव आसन में लेट जाना है, उसके बाद अपनी धीरे एक एक लेग को ऐसे उठाना है। तो 13th एक्सरसाइज में आपने अपने दोनों लेग्स को ऐसे फोल्ड कर लेना है और अपने हैंड्स को हैंड से अपने लेग्स को ऐसे टाइट करना है यानी होल्ड करना है। और उसके बाद धीरे से आपने अपने फेस को हेड को यानी उठाना है और अपनी नोज को अपनी नीज पर टच करना है। और गाइस इसी प्रोसेस को आप 4-5 टाइम्स करना है आपने। तो ये थी हमारी 13th एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं अपनी 14th एक्सरसाइज। सो इसमें भी आपने सुखासन में बैठ जाना है और अपने लेफ्ट हैंड को उठाना है और अपनी जो नेक है उसको आपने लेफ्ट साइड धकेलना है और अपने हैंड से अपने सिर को यहाँ से ऐसे राइट साइड की तरफ यानी नेक को लेफ्ट साइड, हैंड से नेक को राइट साइड। तो और सेम अपने राइट हैंड से लेफ्ट साइड धकेलना है नेक को और नेक को राइट साइड। तो गाइस ये थी आज की हमारी साइटिक नर्व एक्सरसाइज डे 1 योगा ट्रेनिंग। अगर आपको ये योगा ट्रेनिंग अच्छी लगी हो आज की तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं आपको कल नई ट्रेनिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।